अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चरल मुल्क है। इसका मतलब यहाँ पर दुनिया की डिफरेंट नेशनैलिटीज़ आबाद हैं। दोस्तों, सिडनी एक ऐसा शहर है जहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म का सही एसेंस मिलता है। दोस्तों, जिस तरह लाहौर में गवाल मंडी और कराची में बंस रोड की फूड स्ट्रीट मशहूर है, इसी तरह सिडनी में हैरिस पार्क की फूड स्ट्रीट भी बहुत मशहूर है। तो आइए मेरे साथ चक्कर लगाते हैं हैरिस पार्क की फूड स्ट्रीट का। तो दोस्तों, ये है जयपुर स्वीट्स। यूं तो हैरिस पार्क में बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर जलेबियां और गरम गरम समोसे मिलते हैं, लेकिन इस दुकान पर अल्लाह का कुछ ख़ास ही करम है। लंबी लंबी कतारें लगा कर लोग यहाँ की जलेबियाँ ख़रीदने के लिए खड़े होते हैं। कुछ अर्सा पहले यहाँ पर हाथ से ही जलेबियाँ बनाई जाती थी, लेकिन अब उसकी जगह मशीनों ने ले ली है। लेकिन सच्ची बताऊँ, हाथ की बनी हुई जलेबियाँ ज़्यादा मज़े की होती हैं। यहाँ पर फ्री खाने का इंतज़ाम भी किया जाता है, जो हर ट्यूसडे शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होता है, लेकिन फ्री मील टेक अवे नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो राउंड अबाउट आप देख रहे हैं, ये हमारे देसी बॉयज़ में बहुत ज़्यादा मशहूर है। शपाटर देसी बॉयज़ अपनी गाड़ियाँ यहाँ लेके आते हैं और दो दो घंटे तक इसी राउंड अबाउट के गिर्द गाड़ियाँ घुमाते रहते हैं। जो लाल कार आप देख रहे हैं, ये पूरे व्लॉग में आपको इसी सड़क के गिर्द घूमते हुए नज़र आएगी। दोस्तों, हैरिस पार्क में तकरीबन 50 से ज़्यादा छोटे और बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर आप इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, यानी कि तमाम देसी कुजीन को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये रश देख रहे हैं, ये गोलगप्पे खाने के लिए रश लगा हुआ है। दोस्तों, हैरिस पार्क अपनी कुल्फ़ी और फालूदा आइसक्रीम की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो अगर आपका फालूदा आइसक्रीम या कुल्फ़ी खाने का दिल कर रहा है, तो रात में खाना खाने के बाद यहाँ ज़रूर आइए, बहुत इंजॉय करेंगे। दोस्तों, आपने देखा ये बंदा पिछले आधे घंटे से ऐसे ही गाड़ी चलाई जा रहा है। दोस्तों, हम तो घूम घूम के थक गए हैं, चलिए कुछ खाते हैं। तो क्यों ना शुरुआत की जाए पाकिस्तानी गोलगप्पे और इंडियन पानी पूरी के साथ। आप एक स्पाइसी, एक मीठा, फिर एक स्पाइसी, एक मीठा। पता नहीं ना अभी कुछ वो नहीं, ये मेरा लाल टोकन रखने में। ये स्पाइसी। दोस्तों, ये मैं स्पाइसी खाऊं, पहले मैं बासी को खिलाऊंगा। बासी दिए आप स्पाइसी खा, मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, ये मैं स्पाइसी खाने लगा हूँ। पहले पूछ लेना था ना कौन सा खाऊं मैं पहले। ये क्या है, स्पाइसी खाना के स्वीट खाना? ये मीठे वाला है। पहले क्या था? मिर्चो वाला, वाकई में मिर्चो वाला था। दोस्तों, भाजी सांस ही नहीं ले रही, गोलगप्पे पे गोलगप्पा ही खिलाई जा रही है। तूने जिद भी तो इतनी की है ना उनके। अच्छा, ये व्हाइट वाली चटनी क्यों डालने? स्पाइसी खाने का दिल कर रहा है। तेरा स्टैंडर्ड के साथ है, सही है। ये मीठा मीठा नहीं, ये हमारे हिसाब से है। आप
स्पाइसी चाहिए होती है दाल के साथ। बाजी इनको एक्स्ट्रा स्पाइसी दें। कोई बात नहीं, इनकी बीवी घर पे नहीं है, कोई मसला। कपड़े खुद ही धोने पड़ेंगे ना भैया, और मसला। हाँ, कौन से आप कपड़े धोने होते हैं? वॉशिंग मशीन में धोते हैं। वैसे ये ज्यादा रिफ्रेशिंग है ना दोस्तों, रिफ्रेशिंग है बहुत गोलगप्पे। बाजी इनको एक ऐसा स्पाइसी दें, सारी रात ये परेशान हुए। एक मुझे बना दो। बस आपकी टर्न आ गई, एक के बाद आपका। लास्ट कैसा करना है स्वीटी? अच्छा मिठाई, अच्छा थोड़ा ज्यादा। ओहो, हाय हाय, सर का दर्द सही हो गया। मैं दोस्तों गोल गप्पे खा लिए हमने, और अब हम एक नई चीज खाने जा रहे हैं जिसका नाम है टिक्की चाट। आप नहीं आ रही सिस्टर, आप नहीं आ रही, टेंशन आने की चाट जो हम बासित की फरमाइश पे खा रहे हैं। बासित ही पहला, बासित ही पहला चख लेंगे और बताएंगे क्या है। खाओ बासित, बासित का रिएक्शन अच्छा है। तो दोस्तों ये है टिक्की चाट, बासित इसका ऑपरेशन करके दिखाए क्या है अंदर। वो टिक्की नजर आ रही है कोई? आप टिक्की है, आलू की टिक्की कहाँ है? ये सेंटर में दोस्तों, इसमें इन्होंने नमक भी डाला है और मिर्ची भी डाली है, हम खा के देखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा हैरिस पार्क, जहाँ इंडियन और देसी रेस्टोरेंट्स की भरमार। आप जब भी आएंगे यहाँ से मायूस होकर नहीं जाएंगे। लेकिन ये अब एक घंटे से ज़्यादा हो चुका है, ये गाड़ी वाला यहीं पर गाड़ी घुमाई जाता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होऊंगा, एक नई फूड स्ट्रीट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।